और अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सबको दुनिया आखरत की तमाम भलाइयां दे, बुराइयों से बचाए और हर आफत मुसीबत से अपने ज़मान में रखे। तो हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ फिर से एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं, एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये है इकबाल डे वाले दिन का व्लॉग है। तो जो है इर्तज़ा साहब जो थे वो सुबह जल्दी उठ गए थे और जो है ना उठ के साथ ना इन लोगों ने शुरू कर दिया था अपना। इनको कुछ होमवर्क मिला हुआ था, कुछ ट्यूशन का, कुछ स्कूल का, और जो है तो यहाँ पर ये वो याद करने लग गए थे अपना। सबसे पहले जो है ना इन्होंने ट्यूशन का टेस्ट याद किया, क्योंकि इन्हें टेंशन हो रही थी कि भाई मेरा ट्यूशन का मुझे टेस्ट मिला हुआ है, तो वो जो है ना मुझे वो भी याद करना है। कुछ स्कूल के भी मिले हुए थे, तो सबसे पहले उठते साथ ही वो पढ़ने के लिए बैठ गए थे। और जो है ना मैं यहाँ नाश्ता वगैरह बना रही थी, साथ साथ इन्हें पढ़ा भी रही थी और साथ साथ नाश्ता वगैरह भी बना रही थी। तो जो है ना यहाँ पे जो नाश्ता है वो पराठे वगैरह तो ज़रूर बनते हैं, क्योंकि फ़ारूक खाते हैं पराठा और फिर कोई बच्चा वगैरह भी ले लेता है, तो इस वजह से पराठे भी बना लिए थे मैंने और जो है अंडे बना लिए थे और जो बेकरी का नाश्ता होता है बस वही था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फ़ारूक के जो हैं भाई जो हैं बड़े मेरे जेठ, वो आए हुए थे। तो जो है ना हम लोग सब बैठ के हम लोगों ने फिर यहाँ पर नाश्ता वगैरह किया था, हम सब ने घर वालों ने बैठ के नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद जो है ना फिर बच्चों को दोबारा मैंने जो है ना तैयार वगैरह कर दिया था, और जो ना तक में थोड़ा पढ़ना था जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट टेस्ट है, थोड़ा वो भी उसने याद किया। अच्छा, मुझे जो है ना वो कहीं काम से जाना था अपनी अम्मी के साथ, अपने जो है ना कज़न की तरफ जाना था, वो पहली कुछ जो है ना उनके बेटे का इंतकाल हुआ था तो वहाँ जाना था ज़रा अफसोस के लिए, तो जो है हम वहाँ चले गए थे। उसके बाद जो है ना पूरा दिन हमारा जो है ना वहीं पर लग गया था, क्योंकि वो ना जो घर है उनका जो ना हमारे घर से थोड़ा दूर भी है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो बस फिर यहाँ पे मैं बच्चों को साथ ही ले गई थी अपने, ये कि भाई ने छोड़ दिया था जाते हुए, आते हुए हम लोग आ गए थे। और जो है ना यहाँ पे ये देखें हानी मैडम खेल रही हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये आपको अपने फ्रिज का दिखा रही हूँ कि मेरे फ्रीज़र का जैसे कि बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था, तो यहाँ मैंने ये क्या किया कि जो जो इसके ऊपर शीट चढ़ाते हैं ना फ्रिज के ऊपर, ये वो वाली शीट नहीं है, ये मैंने ना स्पेशली जो पैनाफ्लिक्स होते हैं ना, पैनाफ्लिक्स के जो शीट्स होती हैं, ये मैंने वो वाली शीट जो है ना ख़ुद जो है ना जो पैनाफ्लिक्स वाली शॉप्स होती हैं वहाँ पे जाकर मैं उनको ना अपना व्हाट्सअप कर दें उनको कि आपने जिस तरह का भी चाहिए तो आप उनको उस तरह का वो ना बता दें, तो वो इस तरह के पैनाफ्लिक्स के ये बना देते हैं। अच्छा, मुझे याद नहीं रहा कि जब ये बना रहे थे हमने, जब ये इसके ऊपर चिपका रहे थे तो मैं ना आपको दिखाती कि हमने किस तरह से चिपकाया है। तो हमने यहाँ पे ना ये इसको जो है ना जो समर ब्राउन होती है येलो वाली, ये हमने उससे ना इसको चिपकाया था पूरे का। और ये तो मेरा फ्रिज, खैर ये तो नया का नया है, ये तो बिल्कुल सही है। तो मैं वो ना आपको दिखाना भूल गई कि हमने किस तरह चिपकाया था, वरना वो मैं आपको दिखाती तो ये मतलब मेरे फ्रीज़र का ना बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। तो अब देखेंगे कितना माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना फ्राइडे वाले दिन का शुरू हो गया, तो यहाँ पर हम लोग दुरुशी वगैरह पढ़ रहे थे, तो जो है साथ साथ हमने सबसे पहले दुरुशी वगैरह शुरू कर दी थी जोहर के बाद। तो दुरुशी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ फ्रूट चाट बनाई थी। फ्रूट चाट में मैंने वही जो सीजनिंग आजकल फ्रूट आए हुए हैं, केला, सेब, अमरूद और खरबूजा, और मतलब जो भी सीजनिंग के फल होते हैं मैं तो सारे ही डाल देती हूँ बीच में, क्योंकि फ्रूट चाट है तो बस इसमें तो सब कुछ ही चला जाता है। अच्छा, इसमें फिर चीनी डाली थी और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, और जो है ना टैंग जो जूस होता है वो डालने इसके बीच में, तो काफ़ी अच्छा उसका भी जायका आ जाता है। तो जो है ना यहाँ पर वो डालकर फिर मैंने इसको देखें अच्छी तरह इस तरह मैंने मिक्स कर लिया था। अच्छा, जो जो भी फ्रूट है आपके पास आप वो डाल सकते हैं, मेरे पास जो जो फ्रूट थे मैंने सारे फ्रूट्स डाल के और जो है ना इसको बस अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था चीनी डाल के, और ये जो है ना बहुत अच्छी सी फ्रूट चाट बन गई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये देखें, ये जो है ना ये हमने जो है ना यहाँ पे इसमें ना मनी प्लांट जो है ना ये उसमें लगाई हुई है, बोतल के अंदर लगाई हुई है मनी प्लांट, ये शायद अम्मी ने किसी भाभी से शायद लगवाई थी, तो जो है ना ये जो है ना इसके अंदर बोतल के अंदर लगाई, फिर जब इसकी जड़ें निकल आती हैं ना तो फिर आप इसको पौधों में लगाएं तो बहुत अच्छी जो है ना कहते हैं कि लगती है। खैर मैंने कभी लगाई नहीं ऐसे ही मैं कहूँ, लेकिन ये कि कहते हैं कि अच्छी लगती है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना ये बड़ी वाली भाभी जो है मेरी जो है ना वो कहने लगी चलो मैं नमक पारे बना लेती हूँ, तो जो है ना क्योंकि कुछ नमकीन होना भी ज़रूरी है,
तो जो है ना यहाँ पे वो नमक पारे बना रही थी। अच्छा इन्होंने मैदे में, आपको बता देते हैं इन्होंने क्या डाला है, कुछ भी नहीं डाला ज़्यादा, सिर्फ नमक, मैदा और ज़ीरा, अजवैन और जो है ना दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं डाला था। अच्छा जो मैदा हो ना, इसका जो आपने आटा गूंदना है ना, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो है ना इसका थोड़ा सा आटा ना सख्त गूंदता है, क्योंकि सख्त गूंदेगा तो अच्छा, मतलब इसके ना अच्छे जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी से इसके बनते हैं। बस फिर ये डाल के आपने तेल गरम करना और बीज के अंदर डाल देना, इसके अंदर बस तैयार हो गया। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बहुत इजीली और बहुत अच्छे नमक पारे घर पे बन जाते हैं। और जो है ना, अच्छा फिर जो है ना थोड़ा मैदा बच गया था तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा देखो आलू भी बॉयल किए हैं मैंने, जो है ना ये भाभी ने ना सैंडविचेस के लिए ना ये बॉयल किए थे आलू, तो जो है ना मैंने कहा चल थोड़े से ना हम लोग समोसे भी बना लेते हैं कि मैदा भी तुमने गूंदा हुआ है, तो कहने लगी चलो फिर मिनी समोसे बना लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा मैदा नहीं है तो चलो मिनी बन जाएंगे इसमें। तो फिर जो है ना यहाँ पे जो आलू बॉयल्स किए थे ना, देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने सिर्फ इसमें नमक, ज़ीरा और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और इसमें कुछ नहीं डाला है ज़्यादा, मिर्ची विर्ची नहीं कोई भी डाली है, क्योंकि बच्चे भी खा लें और फिर अम्मी वगैरह भी खा लें इस वजह से। अच्छा यहाँ आपको ना पीछे बच्चों का बहुत नॉइज़ आ रहा होगा, बहुत शोर शराबा आ रहा होगा, क्योंकि फिर वो पता है आपको सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो जुम्मे वाले दिन भी बच्चे लेट सोते हैं, सैटरडे वाले दिन भी लेट सोते हैं, तो इस वजह से सारे बच्चे यहाँ अभी इकट्ठा हुए हैं मेरी तरफ, और जो है सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, इर्तज़ा, नवैरा, रूहा, माज, ये सब खेल रहे हैं। इनको मैं बोल के थक गई हूँ कि हल्के बोल लो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। अजी इस वीडियो को जो है ना मैं कोई पांचवी बार जो है ना वॉइस ओवर इसका कर रही हूँ, अब मैंने कहा अब जाने दो, अब 12 बजने वाले हो गए, अब जाने दो। अच्छा यहाँ पे ये हो गया था, उसके बाद जो है ना जो बड़ी भाभी है यहाँ पर, ये जो है ना देखें ये इस तरह राउंड शेप में कर रही हैं। अब ये जो आलू के समोसे नहीं बनते, ये वो वाले समोसे जो है ना, मिनी समोसा जो है ना, कहने लगी मिनी समोसा बनाते हैं आज यार। तो ये जो है ना ये देखें बीच में से इसने कट करना है, और जो है ये कही थी तुम बनाओ, मैंने कहा एक तुम बना के बता दो, बाकी फिर मैंने कहा मैं बना लूँगी, एक मैंने कहा आप बना दो, बाकी मैंने कहा चलो मैं बना दूँगी, मैंने कहा मैं ज़रा वीडियो को व्यूअर्स को भी तो बताऊँ ना कि किस तरह बनता है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं भी आता बनाना ना, कुछ नए होते हैं तो उनको नहीं भी आता बनाना, इस वजह से जो है ना मैंने कहा एक तो तुम बताओ फिर बाकी मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवा देती हूँ। बना तो वही रही थी, खैर मैं ये कि चलो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि मगरिब की भी अजान हो गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल इतने छोटे दिन हुए हैं कि जो है ना बहुत जल्दी से ना असर मगरिब इशा ना साथ ही हो जाती है, फ़ौरन से ना पता ही नहीं चलता। अच्छा यहाँ पे ये देखें बीच में से कट किया, इसमें जो है ना ये आलू की स्टफिंग भरी है और जो है ना इसको हम जोड़ लेंगे। अच्छा इसको जोड़ने के लिए ना आप इसमें ना पानी डालिएगा, मतलब इसको जो जैसे आप जो कंबाइन करते हैं ना इसको, जो इनके जोड़ है इनको जोड़ने के लिए आप इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे तो ये ना बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे और जो है ना तैयार हो जाएंगे। अच्छा इसी तरह देखें ये सारे समोसे तैयार कर लिए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, 10-12 ही बनाए थे, मतलब बस जितने लोग थे उतने ही बनाए थे, और बाकियों के फिर वही नमक पारे वगैरह भाभी ने बना लिए थे। और जो है ना यहाँ पे ये देखें ये तैयार हो गए। अच्छा इसको थोड़ा सा अगर आप और क्रिस्पी कर लेंगे तो ये और ज़्यादा मतलब अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे, जैसे दिल करे लाइट ब्राउन दिल करता है लाइट ब्राउन कर लें, डार्क ब्राउन दिल करता है डार्क ब्राउन कर लें, जैसे अच्छे लगते हैं वैसे कर लें, बस इसमें तो कोई वो नहीं है किसको कैसे अच्छे लगते हैं किसी को कैसे अच्छे लगते हैं। अच्छा फिर उसके बाद जो है ना जो आलू थे उनकी थोड़ी सी और आलूओं को मैंने करके मैश करके, और जो है ना इनकी ये मैंने कहा थोड़ी सी सैंडविच भी बना लें, क्योंकि फिर ना वो बच्चे शौक से खाते हैं सैंडविचेस वगैरह, तो इस वजह से मैंने जो है ना ये थोड़े से ये बना लिए थे, सैंडविच बना लिए थे। अच्छा इसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, ज़ीरा, नमक और चाट मसाला डाला था, दैट्स इट, क्योंकि ना रायता वगैरह साथ होता है तो जो है इतनी फिर ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों के करके और अम्मी के करके ना हम लोग मिर्ची ना आजकल बहुत ही हर चीज़ में हल्की रख रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें ये सैंडविच तैयार हो गए। अच्छा ये देखें मैं आपको दिखा रही थी कि ये अम्मी के जो है ना ये इसके ऊपर भी, फ्रिज के ऊपर, ये डिस्पेंसर के ऊपर, ये सब जगह जो है ना ये मैं साइज़ ले गई थी, और फिर ना साइज़ ला के अम्मी ने, फारूक ने और भाई ने, इन तीनों ने मिल के फिर इसके ऊपर जो है ना अम्मी के लिए चढ़ाया, हम लोगों ने इन सब ने मिल के चढ़ाया इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा ना, और अम्मी का भी ये बहुत प्यारा सा है, इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉबेरी बड़ी प्यारी सी बनी हुई है। और जो है ना ये भी समर ब्रॉन्ज से उसी तरह लगा के वही पैनाफ्लिक्स जो है ना दुकानों पे मिल जाते हैं, तो आप उन्हें तस्वीर दें तो वो आपकी पसंद की हर तरह की जो ना आपको करके दे देते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर हमने दस्तरखान वगैरह लगा लिया था। अच्छा भाई जो था वो ना आज मेरा दूसरे नंबर वाला भाई, भाभी वो छोटे को लेके गए हुए थे रियान को हॉस्पिटल,
तो हानी को भी ना थोड़ा सा मुझे टेम्परेचर लग रहा था, फिर मैंने हानी को भी साथ ही भाई के भेज दिया था। तो जो है इन दोनों को ही बुखार था, हानी को भी और इसको मोहम्मद रयान को भी, इनको भी बुखार था। इनके जो ना ये कि अल्लाह का शुक्र है हानी को थोड़ा हल्का था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन रयान को ना बहुत ज़्यादा बुखार था, तो उसको एडमिट कर लिया था। तो वो जो है ना 4-5 घंटे इनको लग गए वहीं पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया पिया, चाय वगैरह पी, और जो है ना फिर जो है बस चलें। फिर इसी के साथ अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।